बिहार में महागठबंधन की बैठक होने वाली है, मगर लोजपा रामविलास में अभी लगभग दर्जनों नेता ज्वाइनिंग किए हैं। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी हैं, जरा कुछ सवाल जवाब करेंगे। महागठबंधन की तो बैठक हो रही है, मगर आप लगातार ज्वाइन करा रहे हैं लोजपा रामविलास, पूरा एकदम सब मंझे हुए नेताओं। देखिए, चिराग पासवान आज बिहार के सबसे बड़े क्राउड पुलर हैं, अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन। लोगों को विश्वास है कि जिस संकट में बिहार को नीतीश कुमार ने डाला है, इससे बाहर चिराग ही निकाल सकते हैं। इसलिए भारी संख्या में लोग इस जमात में शामिल हो रहे हैं और आज लोजपा रामविलास में दो कद्दावर लीडर, मेहर साहब और मनोज सिंह जी, ये दोनों समता पार्टी के जमाने से हमसे जुड़े रहे हैं और आज पार्टी के मुख्य धारा में हैं। इनके पार्टी में आने से हमारी बिहार इकाई काफ़ी मजबूत होगा और निश्चित रूप से जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का हमारा संकल्प है, जिस गुरुवत में बिहार रहा, कोरोना तो पूरे देश में आया लेकिन बिहार के लिए आफत बन करके आया नीतीश कुमार के कुप्रबंधन के कारण। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में चेन्नई से पटना, दिल्ली से पटना, मुंबई से पटना, पुणे से पटना, अहमदाबाद से पटना, पूरी दुनिया देखी है कि लोग पैदल चल दिए, 1000, 1200, 1400 किलोमीटर पैदल चल दिया। यानी जान आफत में था तो सरकार सोई हुई थी और बिहार का जो कुप्रबंधन था पूरी दुनिया के लोगों ने देखा है। तो निश्चित तौर से हमारी पार्टी से, चिराग पासवान से और हमारे साथियों से उम्मीद है लोगों को कि ऐसा कुशल नेतृत्व नौजवान का मिले जिससे बिहार इस गुरुवत से निकले, फिर दोबारा ऐसी गुरुवत का सामना नहीं करना पड़े। और ये दोनों साथी आए हैं तो हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं। जिम्मेदारी क्या कुछ इन लोगों को दी गई? हाँ बिल्कुल, जिम्मेदारी तो पार्टी चिराग को मुख्यमंत्री एकदम। अब देखिए, ये एक दिन से नहीं हो जाता है, लेकिन हाँ उस दिशा में प्रयास जरूर है हमारा कि बिहार की सत्ता चीज़ों के परिवर्तन का एक बड़ा फैक्टर होता है। इसलिए जब हम विकल्प देंगे तभी तो आवाम हमारे सामने वो ताकत देगी और जिससे हम फिर रिटर्न करेंगे एक बेहतर बिहार बना कर। सर, अभी जिस प्रकार से अभी देखेंगे महागठबंधन की 23 जून को बैठक, G20 का पटना में लगभग सैकड़ों देशों का यहाँ कुछ प्रतिनिधि लोग आए हैं, इसको कैसे देखते हैं G20 वाले? देखिए, नरेंद्र मोदी ने G20 का आगाज़ किया इस देश में, ये पहली बार हुआ है। दुनिया के बड़े देश भी भारत की ओर मुखातिब हों, इन्हें सशक्त स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया। खाली मोदी जी को क्रेडिट दीजिएगा, बिहार में भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं नीतीश जी, थोड़ा सा उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो ज़रूर बनाए हैं, उनको भी बधाई देना चाहते हैं कि ऐसा विजनरी हैं कि 1700 करोड़ का पुल जो 600 करोड़ में बनना था एस्टिमेट बना दिए 1700 करोड़ का। विजनरी इंजीनियर हैं और वो भी इतना करिश्माई की हवा में उड़ा, जमीन की ओर जाता तो हवा में उड़ गया। तो आम लोगों के लिए उन्होंने अच्छा सब काम किया है कि पुल उड़ जाता है, बांध उड़ जाता है, बांध चूहा खा जाता है, शराब चूहा पी जाता है। ये विजनरी नायक हैं, देश इनकी ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहा है कि देश के कुछ और मशहूर पुल आकाश में उड़ें। आज उनको भी निमंत्रण मिला है G20 में, नीतीश जी को। भाई उससे कुछ सीखें जी, उससे आज सीखें, दुनिया एक गांव है। आज रिवॉल्यूशन जो हुआ है उससे दुनिया आज एक गांव है। और एक जदयू के नेता प्रवक्ता कहते हैं कि नीतीश जी से देश के तमाम नेता सीखते हैं कि कैसे विकास किया जाता है। विकास का तो नमूना हमने अभी सामने ही है, 600 करोड़ का एस्टिमेट बना था, एक खास कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए 1700 करोड़ बनाया गया और 1700 करोड़ के बाद भी टूट गया। और ये लोग 800 करोड़ का पार्लियामेंट बना है तो उसको ताबूत कह रहे हैं।
आज जो पुल उड़ गया इसको क्या कहें? एक नया मतलब एक आईएएस अधिकारी उसमें लगाए हैं तेज तर्रार, और नीतीश जी कहें उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उन कंपनियों के ऊपर भी कार्रवाई हो। भाई ये तब स्वप्न में टूटा जब 8 पुल पहले उड़ चुका है, ये 17 साल के बाद उनकी नींद खुली। 17 साल के हमारे के यहाँ एक पुल टूटा था जब मैं एमपी था, बना और 1 साल के अंदर टूट गया, और हमारे डर से इन लोगों ने बनवा भी दिया। लेकिन पुल जो टूटा जिसमें करोड़ों रुपया जाया हुआ, वो पब्लिक मनी था, हमारे टैक्स का पैसा था, हम तमाम लोगों के टैक्स का, गरीब स्टेट के टैक्स का पैसा था, उसमें क्यों नहीं सजा दिया? उसमें क्यों नहीं सजा दिया? इस पर केंद्र से जांच होनी चाहिए या बिहारी सरकार जांच इस पे करे तो ठीक है? नीतीश जी पे भरोसा है केंद्र? इतने घोटाले हैं कि कितना जांच करेगा? बिना परिवर्तन का कुछ नहीं होने वाला है, हटाना पड़ेगा नीतीश। हाँ बिल्कुल, एक एक श्रीमती राबड़ी देवी जब थी लीडर अपोजिशन विधान परिषद में, तो उन्होंने एक सवाल उठाया था, वो सवाल हमने भी उठाया है। अब तो वो सत्ता में है, उसका जांच करावें। ये पटना से जो नहर का रोड बना है, इसके लिए मटेरियल आया है झारखंड से, उसी जगह औरंगाबाद में मिलता है, ये पटना से औरंगाबाद गया है। रास्ते में नीतीश कुमार इतने विजनरी हैं कि रास्ते में इनके, और वो पैसा बाढ़ का पैसा था जिसको रोडमैन लगा दिया। तो इतना डाइवर्सन ऑफ फंड है और इस तरीके से लूटा है। सबसे बड़ा एस्टिमेट घोटाला है, जीता राम मांझी चुप हो गए थे बीच में, इन्होंने एस्टिमेट घोटाला म्यूजियम का बनाया था और 300 करोड़ रुपया घटा दिया गया एक सवाल खड़ा करने पर। यानी किस तरीके से विकास कर रहे हैं ये तो पता है लोग, विकास तो कर रहे हैं कि यतीम परिवार की बच्चियों को रखने के लिए इनको दायित्व दिया गया था और उसके लिए सारे शेल्टर हाउस चलते हैं। क्या हुआ? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो गया, और उसमें कोर्ट ने कहा ऑल द वाइट कलर्ड पीपुल आर सेव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को विकास की बात करते हुए। ये तो साधारण जो मानवीय सवाल है, गरीब परिवार की बच्चियां, यतीम परिवार की बच्चियां वहां जाती हैं, वहां रहती हैं, उनके साथ क्या क्या हुआ वो कहने लायक नहीं है। कोर्ट ने कहा, एक अपराधी पकड़ाया उसमें, बाकी ऑल वाइट कलर्ड पीपुल आर बीइंग सेव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये सफ़ेद पोष लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नेता हैं, जो इस घृणित कुकर्म में शामिल थे, इनको सरकार ने बचाया है, ये कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो विकास तो है इनका। सर, जीतन राम मांझी का नाम आता है, जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं हमको नीतीश जी गेट आउट कर दिए, मतलब कि बेइज्जती करके भगाए हैं, पार्टी को मर्ज करने के लिए बोल रहे थे, और नहीं माने तो मतलब पूरा आप सब बोल के। अब ऐसे कुकर्मी सरकार के साथ यदि गेट आउट करके धक्का दे के भी बाहर कर दे, तो पाप की गठरी अपने मत्थे क्यों रखना चाहते हैं? हम भी नीतीश कुमार के बनाने में थे, 14 साल संघर्ष किया है, लालू यादव से लड़ा, लेकिन महसूस किया कि लालू यादव इनसे बढ़िया थे। ये ज्यादा कुकर्मी सरकार है। लालू जी से तो आजकल बहुत अच्छा हो रहा है सर, वो कह रहे हैं तेजस्वी, तो उनका नाश होगा। वो जो तेजस्वी अपनी तेजस्विता दिखला रहे थे इनसे दूर होकर के, वो चाचा के दुर्गुणों को जब तक निकाल रहे थे, जब तक उनके अंदर लोग कुछ देख रहा था लक्षण, लेकिन जिस डाल पर बैठे नीतीश कुमार, मकान पर चील बैठ जाता है तो गड़बड़ा जाता है। सर अभी इतना विरोध करते हैं नीतीश जी का, और नीतीश जी का अभी एक बड़ी पार्टी जुड़ी है सर तमिलनाडु का, तो इस पर क्या कहेगा? अच्छी बात है, उन लोगों का संस्कार भ्रष्ट ना हो जाए, इनके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे तो निश्चित तौर से इन लोगों का भी दुर्दशा आने वाला है। तो बड़ी बड़ी पार्टियां नीतीश कुमार से प्रभावित हो रही है पटना के बैठक में अभी। अरे बड़ी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी उनसे प्रभावित होकर के अपना नाश करा ली, तो उससे बड़ी पार्टी नहीं ना है। हमने तो कहा कांग्रेसी लोग चेत जाएं, ये वही हैं जिस मकान पर बैठ गए वो मकान भूतहा हो जाता है। राहुल गांधी भी आ रहे हैं नीतीश जी बनाने, इसीलिए तो सचेत कर रहे हैं हम भाई कि मजबूत विपक्ष भी रहे, बिना विपक्ष के सरकार मजबूत नहीं होती है, विपक्ष भी मजबूत रहे, इसलिए इनसे बचें लोग। इन्होंने इतना
गलत काम किया है, इतने गलत लोगों को संरक्षण दिया है, और हम क्यों 12 साल से नीतीश जी के खिलाफ घूम रहे हैं? तो व्यक्तिगत खिलाफ थोड़े हम हैं, ये तो जितना कुकर्म किए हैं इससे हमको मुक्ति मिल जाए। हम पाप किए हैं, उस पाप की गठरी को फेंकने के लिए, धोने के लिए, अपने परिमार्जन के लिए हम घूम रहे हैं पूरा बिहार जी। अभी एक खबर आई है कि मांझी जी, चिराग जी और भी जो दलित नेता हैं वो सब मिलके अपना एक अलग कुछ गठबंधन बनाएंगे, जैसे कुछ डिफरेंस कांग्रेस बीजेपी से अलग हो। अब खबर कितना है सब, ये खबर के कलाकार आप हैं इसलिए ऐसे खबरों पर तवज्जो मैं नहीं देता हूँ। कोई कोई बोला सर कि पूरा मार्केट में हल्ला है, इसका न सिर है न पूछ है क्या कहिएगा, ये जो महागठबंधन 23 तारीख को होगी उसकी नीतीश कुमार को सफलता मिलेगी? जयप्रकाश हो रहे हैं नीतीश कुमार, कहते हैं जयप्रकाश के हम शिष्य हैं कर्पूरी के शिष्य। कर्पूरी जी और जेपी से तुलना करना, उस इतिहास को धूमिल करना होगा। नीतीश कुमार वहाँ कहीं स्टैंड नहीं लेते हैं, हम लोगों को भी लगता था, लेकिन उनका नकली जो चरित्र था वो अब प्रकट हुआ है, असली रूप में अब आया है। बहुत अच्छा लग रहा, और हम आज सबसे ज़्यादा धन्यवाद देंगे अपने पूर्व सांसद को कि आज मैं उनके देखरेख में मैंने ज्वाइनिंग किया। और क्या कुछ उम्मीदें लगती है इस पार्टी में ज्वाइन करने के बाद, क्या कुछ नहीं, कोई दूसरी पार्टी का कहीं भी कुछ आपको भी तो दिख रहा है, आप मीडिया वाले तो सारी चीज़ देख रहे हैं जी। अगर आज के डेट में ये पीड़ा अगर हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार बड़े भाई हमारे जो उठाए हुए हैं, इसका परिचय हम 3 तारीख को दिखा देंगे सिवान में। आप क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो इस पार्टी में सम्मिलित होने के लिए मैं अपने अभिभावक स्वरूप बड़े भाई पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी से को धन्यवाद देता हूं, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि इनके छत्र छाया में, इनके नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला है। और बहुत पहले से छात्र जीवन में जब मैं था तो ये सांसद हुआ करते थे, तब से हमारा इनसे लगाव है। कई बार हम लोग राजनीतिक तौर पर एक साथ कई जगह चुनाव के दरमियान भी कैंपेनिंग किए हैं, मिलते जुलते रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा मेरे लिए रहेगा। और जहाँ तक इस पार्टी में आने की बात है तो इस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री चिराग पासवान जी, उनका जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, ये बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि लगभग जो दोनों बड़े भाई छोटे भाई की सरकारें जो चल रही है पिछले 30 साल से, लगभग 30 साल हो ही गया होगा, इसमें इन लोगों ने क्या किया कि आज हमारा बिहार प्रदेश मजदूरों का प्रदेश बन के रह गया। आप लोग खुद इसको देखते हैं, करोड़ों लोग बिहार से बाहर हैं। अगर ये लोग विकास की, अभी आप हमारे गार्जियन से विकास की बात पूछ रहे थे कि क्या किया सरकार ने, क्या किया मुखिया, सरकार के मुखिया ने क्या किया, अगर ये लोग निश्चित विकास किए होते ईमानदारी से तो आज हमारे बिहारवासी दर दर की ठोकर बिहार से बाहर नहीं खाते। जनता के साथ छलावा है, और एस्टिमेट घोटालों की सरकारें चलती आ रही है पिछले 30 साल से। तो हमको तो बहुत खुशी है कि एक नौजवान जो कम से कम 40-50 साल इस प्रदेश में और इस देश में राजनीति करेंगे, श्री चिराग पासवान जी, उनके साथ भी काम करने का, और उनका विजन बहुत अच्छा है, और हमारे अभिभावक का आशीर्वाद हम पर मिलता रहेगा ऐसी भी हमको उम्मीद है, और ज़रूर मिलेगा, और इनका मार्गदर्शन भी मिलेगा और भी सीखने को कुछ मिलेगा। 3 तारीख को हमारे जिला में एक सम्मेलन होने वाला है, इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में सबसे नंबर 1 सम्मेलन अपने दल का कराएं। कितना भीड़ लाइएगा? भीड़ आप देख लीजिएगा, भीड़ इतना आएगा कि मेरा प्रयास है कि बिहार में 1 नंबर में सिवान। अरुण जी, एक सवाल आता है कि बार बार कि चिराग पासवान अभी महागठबंधन के भी साथ जाने की संभावना है, क्योंकि मांझी जी उधर से निकले हैं तो एक आध को दलित नेता का जरूरत पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जी, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अब होता है ना कि अब कोई जानता था नीतीश लालू, आप तो जानते हैं, यूटोपियन थॉट वाले हम नहीं हैं, हम लाइन तय करते हैं वही करते हैं।
अगर चल गया तो फिर अगर चल गया तो अगर फिर उसी समय जवाब देंगे उसी समय जवाब देंगे सुनते हैं कि नीतीश जोरे चल जाएगा तो फिर गड़बड़ आ जाएगा अरुण जी रहने करेंगे वो सब ऐसे है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जो है लाइन तय करके हम लोग काम कर रहे हैं भाजपा के साथ ही जो लाइन तय है उसी लाइन पर हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए तो ये बात कर रहे थे हम जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी से और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और कई नेता आज यहाँ पर ज्वाइनिंग किए हैं उसी के नियमित और महागठबंधन की खबरें हम पूछने के लिए आए थे मगर यहाँ पर कुछ नेता ज्वाइनिंग की भी खबरें थी। बाकी आप बने रहे झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।